गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं पहले सक्सेसर और प्रेडिसेसर होता है क्या। सक्सेसर जो होता है वो आफ्टर नंबर होता है। जब हम किसी भी नंबर में प्लस वन करके उसकी नेक्स्ट डिजिट पता लगाते हैं तो वो हमारा सक्सेसर बनता है। प्रेडिसेसर हमारा बिफोर नंबर होता है, जब हम किसी भी डिजिट में माइनस वन करते हैं, ठीक है, मतलब उससे बिफोर, उससे पहला नंबर पता करते हैं तो वो हमारा प्रेडिसेसर होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 38। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 38 का सक्सेसर बताना है, 38 का ही प्रेडिसेसर बताना है। तो 38 का सक्सेसर क्या होगा, जिसमें मैं 1 प्लस करूँगी वो होगा हमारा 38 का नेक्स्ट नंबर 39, है ना। ऐसे ही प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर के लिए हम माइनस वन करते हैं, मतलब इसका बिफोर नंबर 38 का बिफोर नंबर क्या होगा हमारा 37। ठीक है, तो इस तरीके से हम सक्सेसर और प्रेडिसेसर निकालते हैं। सो जो हमारा बहुत छोटा नंबर होता है उसका आफ्टर बिफोर तो हम बहुत आसानी से निकाल के बता सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास नंबर्स बड़े दिए होते हैं तब हमें उसमें प्लस वन और माइनस वन करना होता है, ताकि हमें जो सक्सेसर और प्रेडिसेसर है वो बिल्कुल सही मिले। तो इसी तरीके से अभी हम अपना अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर नंबर दिया हुआ 2,92,328। ठीक है, तो इसी नंबर का हमें सक्सेसर बताना है और इसी नंबर का हमें प्रेडिसेसर बताना है। सक्सेसर बताने के लिए हम इसमें प्लस वन करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है अपना और उसमें प्लस वन करेंगे, और प्लस वन बिल्कुल आपको लास्ट यहाँ पे वन प्लेस पे करना होता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उन नंबर्स को जैसे हम जनरली ऐड करते हैं उसको ऐड करते हुए चले जाएंगे और हमारे पास हमारा सक्सेसर आ जाएगा। और इस नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे 2,92,329 हो गया ये हमारा नंबर। ठीक है, ऐसे ही अब इसी नंबर का प्रेडिसेसर निकालने के लिए इस नंबर में से मैं माइनस वन करूँगी। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है, अब 8 में से मेरा 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और जो बाकी डिजिट्स हैं मेरी वो सारी हमारी सेम की सेम उतर जाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपना ये वाला नंबर यहाँ पे भी लिखेंगे 2,92,327 इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है 9,99,999। तो अब हमें इसका सक्सेसर प्रेडिसेसर निकालने के लिए प्लस वन और माइनस वन करना है। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से रफ में जाएंगे जैसे हमने पहले किया था। इसमें हम प्लस वन करेंगे बिल्कुल वंस के प्लेस पे, 10, 10, 10, 10, 10 और ये हमारा 10। तो ये हमारा आ गया है यहाँ पे 10 लाख आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका सक्सेसर निकाला। ऐसे इसका प्रेडिसेसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वंस प्लेस में से 1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 9 में से 1 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा, और बाकी जो हमारे डिजिट्स हैं वो हमारी सेम हो जाएंगे। तो ये हो गया 9,99,998। तो जब हमें कितना भी बड़ा नंबर दे, जैसे अब हमें यहाँ पे इतना बड़ा नंबर दिया हुआ, इसका भी सेम सक्सेसर प्रेडिसेसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे और इसी में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसी सेम नंबर में से, तब हमें हमारा नया सक्सेसर प्रेडिसेसर यहाँ पे मिल जाएगा। सो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं अपने इन साइंस के थ्रू। ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 2,34,789 और यहाँ पे 34,78,917। आपको पता है कि हम जो ये साइन लगाते हैं, जो बड़ा, जिस तरफ बड़ा होता है हम उसकी तरफ मुंह खोलते हैं, और जब हमारा नंबर्स इक्वल होता है तो हम ये वाला साइन लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, पहले इन दोनों की सारे डिजिट्स को काउंट करेंगे। ठीक है, और फिर अगर उसमें से हमें ये पता चलता है कि इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें ज़्यादा डिजिट्स है, तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है, फिर हम इसमें कंपैरिजन का ज़्यादा वो यूज़ नहीं करना होता। तो जैसे यहाँ इस वाले नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स हैं, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा नंबर क्या है, बड़ा हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, साइन को अपना इधर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटर नंबर है। ऐसे ही हम सेकेंड टाइम दोबारा चेक करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब वहाँ भी 6 है और यहाँ भी हमारे पास 6 है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से नंबर्स को कंपेयर करना शुरू करेंगे। जैसे ये 3 है, ये भी 3 है, ये 5 है, ये भी 5 है, अब ये 7 है और ये हमारा 8 है। तो आप 7 और 8 में से कौन सा नंबर बड़ा होता है, 8 बड़ा होता है, तो ये वाला नंबर हमारा अब बड़ा हो जाएगा। तो हम अपना साइन इधर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले डिजिट्स को काउंट करना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हैं। अब हम यहाँ से कंपैरिजन शुरू करते हैं, ये भी 1 है, 2 2 8 3 5 9 8 9, तो ये तो हमारा पूरा नंबर सेम हो गया, ये वाला और ये वाला, ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, दोनों नंबर इक्वल है, तो हम यहाँ पे अपना इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम जो है अपना एक डिफरेंट टॉपिक करेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हम ऑलरेडी ये पहले भी कर चुके हैं दूसरी क्लासेस में, ठीक है, तो हम उसको अभी और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर होता है जब हम स्मॉल से बिग की तरफ जाते हैं, मतलब जब हम सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना बोलते हैं। ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या होता है, जब हम नंबर्स को इस तरीके से, जब हम नंबर्स को बड़े से छोटे के फॉर्म में लिखते हैं, पहले बड़ा फिर छोटा 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 छोटा, तो वो हमारा क्या होता है, डिसेंडिंग नंबर हो, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, जिसमें हम नंबर्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो जो हमें जितने भी नंबर्स दिए होंगे उसमें से हमें सबसे पहले ये देखना होगा आपको असेंडिंग में अरेंज करना है या डिसेंडिंग में। अगर असेंडिंग में करना है तो हम छोटे नंबर से अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, और अगर डिसेंडिंग में करना है तो हम बड़े नंबर से अरेंज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, इनसे इन नंबर्स को हमें डिसेंडिंग में भी अरेंज करना है, असेंडिंग में भी अरेंज करना है, डिसेंडिंग में भी अरेंज करना है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, असेंडिंग में आपको पता है सबसे पहले हमें छोटा नंबर आइडेंटिफाई करना होता है, तो जैसे हमने कंपेरिजन में किया था, जैसे हमने कंपैरिजन में किया था कि हमने डिजिट्स को काउंट किया था, तो हम यहाँ भी पहले वही से स्टार्ट करेंगे, सारे सब नंबर्स के डिजिट्स को पहले काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सब में 7 7 7 है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कोई बहुत छोटा या कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं दिया हुआ है, सब सेम डिजिट्स के नंबर है। अब हम क्या करेंगे, सबसे आगे वाले नंबर से अपने नंबर्स को कंपेयर करना शुरू करेंगे। जैसे ये 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो अब इससे तो नहीं पता चला कि कौन सा हमारा छोटा नंबर है। अब हम सेकंड पे आते हैं, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इससे भी नहीं पता चला। अब हम अपने थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड डिजिट पे आते हैं, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 5 है। हाँ, अब हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंस नज़र आया, जैसे ये 5 और ये 5 वाले नंबर में डिफरेंस है, तो और ये तो दोनों तो 6 वाले हो गए, तो ये दोनों तो बड़े हैं, हमें किससे शुरू करना है असेंडिंग में, स्मॉल से, तो हम 5 वाले को अब आगे इन सिर्फ अब इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना शुरू करेंगे कि इन दोनों में से जो है हमारा कौन सा नंबर छोटा है। ये 6 है और ये 7 है, तो पहले कौन सा आ जाएगा हमारा 5 में, ये वाला नंबर। ठीक है, और ये हम यहाँ से कट कर देंगे, और अब दूसरा जो हमारा ये 5 वाला नंबर है, ये आ जाएगा, और हम अपना साइन इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट डिजिट है वो हमारी इस वाले नंबर से बड़ी है। ठीक है, अब हमने 5 5 वाले कवर कर लिए, अब हम 6 6 वाले को चेक करते हैं। जैसे ये है, दोनों हमारे यहाँ पे 6 6 पे अटके थे, अब नेक्स्ट डिजिट इसमें 6 है और इसमें 7 7 है, तो कौन सी वाली छोटी होगी, 6 वाली छोटी होगी, तो पहले हम इस वाले नंबर को लिखेंगे। ठीक है, और फिर बचा हमारा ये सबसे जो यहाँ पे बड़ा नंबर है वो। इस तरीके से हमने अपने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और हम जो है साइन इसमें इधर के साइड वाला यूज़ करेंगे। अब ऐसे ही जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हीं सेम नंबर्स को अरेंज करने के लिए हमें चेक करने के सबसे बड़ा नंबर कौन सा था। अभी हमने यहाँ पे जब चेक किया तो हमें क्या पता चला था कि ये वाला जो नंबर था वो हमारा सबसे बड़ा नंबर था, तो हम सबसे बड़े से सबसे पहले शुरू करेंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपना ये वाला नंबर यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब जो भी बड़ा नंबर होगा हम साइन उसकी तरफ करेंगे, तो अब इसके बाद के सारे नंबर्स जैसे छोटे होंगे, तो इसलिए हमारा जो है हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे। अब ये हमारी 6 की लाइन का एक और नंबर जो था, जो इससे छोटा था, वो हमारा ये था, तो अब हम इस वाले नंबर को दूसरे नंबर पे लिखेंगे। ठीक है, और साइन इधर की तरफ। और अब आपको पता है इससे पहले हमारे पास 2 ये 5 5 डिजिट वाले थे, 5 5 डिजिट वाले में से ये वाला बड़ा नंबर था, तो हम इस वाले बड़े नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और अब हमारा ये जो है सबसे छोटा नंबर है, तो इस वाले नंबर को हम
यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने अपना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किया, ठीक है। कंपैरिजन में भी हमें इसी तरीके से करना है, हमें डिजिट्स को काउंट करके कंपेयर करके तभी साइन लगाना है, और असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी डिजिट्स को काउंट करके कंपेयर करके वही साइन लगाना है। अब हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। सो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका प्रेडिसेसर भी लिखना है, सक्सेसर भी लिखना है। प्रेडिसेसर के लिए हम नंबर में से माइनस वन करते हैं और सक्सेसर के लिए हम नंबर में प्लस वन करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे ये दिया हुआ है, अब हम इसका क्या करेंगे, प्रेडिसेसर और सक्सेसर निकालें, ठीक है। तो हमने अपने नंबर को यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हम इसका सक्सेसर लिखेंगे नेक्स्ट पे, और यहाँ पे हम इसका प्रेडिसेसर लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है अपने नंबर को ऐसे माइनस वन और प्लस वन करके लिख दिया है। तो अब हम पहले इसका प्रेडिसेसर निकालेंगे, फिर हम इसका सक्सेसर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो हमारे पास कैरी देंगे इसको, 9 6, ठीक है, 0 6 8 7। तो ये हमने निकाले अपना प्रेडिसेसर, ऐसे ही हम सक्सेसर निकालेंगे। ज़ीरो में वन प्लस किया, 1 7 0 1 6 8 7। इस तरीके से हमने अपना ये वाला नंबर में निकाले, हमने आज से उसको यहाँ पे लिखेंगे। सो इससे पहले वाला जो हमारा आया था 16 9, यहाँ पे आ जाएगा। और पे हमारा 71, तो ये हमारे प्रेडिसेसर आया है, ठीक है। 7,861,069, ये हमारा इसका प्रेडिसेसर हो गया। फिर हमारा सक्सेसर हो गया 7,861,071। तो इस तरीके से हम इस माइनस वन और प्लस वन करके अपना प्रेडिसेसर और सक्सेसर निकालते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ, कंपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग, ये जो ये हमें यहाँ पे साइन दिए हुए हैं, ठीक है। इन साइंस को हमें उसी तरीके से यूज़ करना है जैसे हमने पहले सीखा है। हम डिजिट्स को क्या करेंगे, काउंट करेंगे एक बार। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पे, अब नंबर्स को देखेंगे। यहाँ से 3 और 3 हट गया, अब ये हमारा 7 है और ये हमारा क्या है, 5 है। तो अब आप बताओ इसमें से बड़ा कौन सा होगा, 7 वाला। तो हमारा कंपैरिजन का साइन किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने बाकी वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। सबसे पहले डिजिट्स को काउंट करना है, कोई डिजिट्स से पता चल रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं पता चल रहा है तो आप उसमें फिर नंबर्स को आपस में कंपेयर करके फिर वहाँ पर साइन लगाओगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में अपने नंबर्स को अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर में किससे हम शुरू करते हैं, छोटा बड़ा बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास वो 4 नंबर्स थे जो हमारे थर्ड क्वेश्चन में, जिनको हमें किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले हम इन सबको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो सब में सेम सेम है। अब हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके कंपेयर करेंगे, जैसे 2 2 2 2, 1 1 1 1 1। अब ये 1 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 1 है, ठीक है। तो अब 1 वाले हमारे पास 2 हैं जो सबसे जो छोटे हैं। अब हमें इन दोनों में से देखना है कि इनमें से पहले छोटा नंबर कौन सा है। तो ये 1, इसके बाद यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 5 है। अब 0 वाला जो होगा वो हमारा छोटा होगा, इसका मतलब हमारा सबसे पहले ये वाला नंबर आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये 1 हो गया। ये छोटा था हमारा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और हमें इस तरीके से साइन को यूज़ करना है। अब इसके बाद जो ये हमारे दो बड़े बचे थे 5 और 5 वाला, अब इसमें से देखते हैं, 5 और 5 तो सेम हो गया, 1 1 0 5, कौन सा वाला छोटा है, 0 वाला। तो इसका मतलब 3 नंबर पे पहले ये आएगा, 2 1 5 1 0 0 5, और ये अब हमारा 4 नंबर पे हो जाएगा, 2 1 5 1 500, ठीक है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अपना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिग टू स्मॉल। सबसे पहले आपको बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा 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 छोटा, इस तरीके से लिखना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे फिर से
वन टू थ्री फोर है, ठीक है, और अब हमें इन्हें कंपेयर करना है, फिर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये हमारा नंबर है जिसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है इसको अरेंज करना है, ठीक है। हम सबसे पहले सारे डिजिट्स को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब 8 8 8 8 हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब अपनी कंपैरिजन स्टार्ट करें, 4 4 4 4, ठीक है। अब इसमें नहीं पता चला 3 3 3 3, हमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, 0 0 6 6। अब ये हमारे पास 6 6 वाले नंबर्स आए हैं, अब हम इनमें पता करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर जो है हमारा इन दोनों में से कौन सा है। पहले 6 6 0 0 0 0 7 8, अब कौन सा वाला बड़ा होगा, 8 वाला, तो हम इसको पहले लिखेंगे और इसको दूसरे नंबर पे लिखेंगे। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, जो हमारा साइन है वो इधर की तरफ आएगा, और अब हम अपना दूसरे नंबर को लिखेंगे जो कि हमारा बिल्कुल इसी से छोटा है। अब इसके बाद हमारे पास जो ये दो नंबर्स बचे थे इनमें चेक करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे 0 6, तो कौन सा बड़ा आया हमारा, 6 वाला, तो ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे अपने इस वाले नंबर को लिखते हैं और फिर हमारा सबसे छोटा नंबर, ठीक है। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को अरेंज करना है। तो अभी जो इस वाली एक्सरसाइज में हमने अपने 3-4 टॉपिक पढ़े, एक तो असेंडिंग और डिसेंडिंग हमने करा, ठीक है, और इसके अलावा हमने सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर और कंपैरिजन ऑफ अ नंबर।